वैसाख का महीना पड़ेगा, उस वैसाख के महीने में मात्र अगर 5 बेलपत्र और मट्टी के पात्र में रखा हुआ जल, मट्टी के पात्र से मतलब है कलश, जो माटी का जो कलश होता है आपके घर में जो रखा हुआ है, ये जरूरी नहीं है कि वो नया ही खरीदना पड़ेगा, आवाज सेट नहीं, ये जरूरी नहीं है कि वो आपको नया ही कलश खरीदना है, नया ही आपको लेकर आना है या नया ही आपको लेकर आओ। आपके घर में जो मट्टी का कलश रखा हो, जो माटी का कलश आपके घर में रखा हुआ, 5 बेलपत्र मट्टी के कलश में जो जल भरा हुआ हो वो जल तांबे के पात्र में डालकर शिवजी पे 5 बेलपत्र अशोक सुंदरी वाली जगह पर, जो आप लेकर आए हो 5 बेलपत्र वो अशोक सुंदरी वाली जगह पर समर्पित कर मट्टी के पात्र का जो जल है वो जल बैसाख के महीने में किसी भी दिन, चाहे आप सोमवार को कर लो, प्रदोष को कर लो, चाहे आप शिवरात्रि पे कर लो बैसाख महीने की, तो आप अगर उस मट्टी के कलश का जल या पात्र का जल शंकर भगवान को 5 बेलपत्री अशोक सुंदरी वाली जगह पर समर्पित कर जल अगर चढ़ा देते हैं, तो महाराज ये उधर से जो जुड़ी हुई परेशानियां जो मनुष्य को झेलना पड़ती है, चाहे भोजन नहीं पच रहा हो, चाहे उधर में पत्थरी हो रही हो, या कोई अन्य परेशानियां जो उधर से जुड़ी हुई होती है, बैसाख के महीने में अगर प्रतिदिन मट्टी के पात्र का जल शिवजी को समर्पित करा जाता है, तो उधर से जुड़ी हुई सारी समस्याएं अपने आप धीरे धीरे समाप्त होने लगती है, उधर से जुड़ी हुई।